नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। इजरायल पुलिस द्वारा जेरूसलम के अल एक्सा मस्जिद पर जिस तरह से रेड किया गया है, उसको लेकर हमास का इजरायल पर हमला तेज हो गया है। इजरायल और फिलिस्तीन फिर से एक बार आमने सामने आ गए हैं। इजरायल और हमास के बीच गाजा पट्टी पर हवाई हमला तेज हो गया है। इजरायल ने दो बहुमंजिले इमारतों को निशाना बनाया है, जिनके बारे में उनका मानना था कि उसका इस्तेमाल हमास के कट्टरपंथी करते थे, और उनके ठिकानों में कम 3 कट्टरपंथियों को मार गिराया गया है। इजरायल के इस हमले में कई और लोगों की भी जाने गई हैं। इन सभी चीज़ों के बीच इजरायली लोगों की जान जो बचा रहा है, वो है इजरायल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। इजरायल की सेना ने बुधवार को कहा कि सोमवार शाम हिंसा भड़कने के बाद से गाजा पट्टी में इजरायल की ओर से 1050 से अधिक रॉकेट्स और मोटर्स दागे गए। वही जवाब में हमास ने भी 1500 रॉकेट दागे, लेकिन इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। आयरन डोम दुनिया के बेहतरीन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कहा जाता है, और ये एकमात्र एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका सबसे ज़्यादा बार टेस्ट किया जा चुका है। आइए जान लेते हैं कि आखिर ये आयरन डोम है क्या और इसे कैसे विकसित किया गया था। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है भी या नहीं। इजराइल का आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे इजराइल की कंपनी रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। इस पूरे सिस्टम के लिए यूएसए नेवी फाइनेंस किया था और टेक्नोलॉजी से मदद भी की थी। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे रॉकेट मोटर्स को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम की खास बात यह है कि यह हर मौसम में काम कर सकता है। सबसे पहले इसे साल 2011 में सेवा में शामिल किया गया था। रडार के जरिए यह दुश्मन के मिसाइलों को और रॉकेट को पहचानता है और काफ़ी कम समय में उसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर देता है। यही वजह रहा है कि हमास की ओर से दागे गए अधिकतर रॉकेट्स और मिसाइल को यह हवा में ही नष्ट कर देता है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसमें एरो 2, एरो 3, आयरन बीम, बराक 8 और डेविस स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, जिसमें से भारत और इजराइल ने मिलकर बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया है, और आज के समय भारत बड़ी संख्या में बराक 8 का इस्तेमाल करता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का रेंज 4 से 70 किलोमीटर तक का है, और भविष्य में इसको बढ़ाकर 250 किलोमीटर करने का भी प्लान रखा गया है। ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है छोटे मिसाइल्स या 155 mm आर्टिलरी सेल्स को काउंटर करने के लिए। आयरन डोम सिस्टम के एक बैटरी में रडार यूनिट, मिसाइल कंट्रोल यूनिट और बहुत से लॉन्चर्स होते हैं। हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर होते हैं, और एक आयरन डोम बैटरी 150 किलोमीटर के रेडियस में प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले रडार इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करता है, तब लॉन्चर से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। वहीं मिसाइल को गाइड करने के लिए कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रडार के दिए गए सिग्नल के हिसाब से इनकमिंग मिसाइल के ट्राजेक्ट्री को समझ लेने के बाद इंटरसेप्टिंग मिसाइल को गाइड करता है। और जब इंटरसेप्टिंग मिसाइल दुश्मन के मिसाइल के नज़दीक आ जाते हैं, तब ब्लास्ट हो जाते हैं, और ब्लास्ट के वजह से जो मेटल का टुकड़ा उस मिसाइल से बाहर निकलता है, वो दुश्मन के मिसाइल के वारहेड से जा टकराता है और उसे हवा में ही डेटोनेट कर देता है, और ऐसे जाकर एक मिसाइल को काउंटर किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल काम होता है, वो इंटरसेप्टर मिसाइल के ब्लास्ट का टाइमिंग होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयरन डोम ने पिछले कुछ दिनों में 90% मिसाइल को इंटरसेप्ट करके ये साबित कर दिया है कि आयरन डोम एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। हमास जिस रॉकेट का इजराइल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है, वो कासम रॉकेट है, जिसे ईरान और हमास ने मिलकर बनाया है। कासम रॉकेट के कॉस्ट की बात करें तो एक कासम रॉकेट का कॉस्ट 2000 से 4000 डॉलर का है। वहीं आयरन डोम की एक बैटरी के यूनिट का कॉस्ट 50 मिलियन डॉलर का है।
वहीं एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए करीबन $80,000 का खर्च करना पड़ता है इसराइल को, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा साबित होता है। लेकिन ये एक इफ़ेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है और किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। बात करते हैं भारत के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम की। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भारत के जो भी बॉर्डर्स हैं और जो भी खतरा भारत को दुश्मन मुल्क से है, वो इसराइल से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसराइल एक छोटा देश है और उनका मुख्य शहर बॉर्डर से बहुत नज़दीक है। इस वजह से आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता है। वहीं हमास के मिसाइल भी शॉर्ट रेंज के मिसाइल हैं, जिनको इंटरसेप्ट करना बहुत ही आसान है। भारत के लिए जो खतरा है वो बिल्कुल अलग है। दोनों ही देशों का थ्रेट परसेप्शन बिल्कुल अलग है और जियोग्राफिकली भी हमारे डिफेंस टैक्टिक्स अलग अलग हैं। हमें न्यूक्लियर मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ज़्यादातर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को काउंटर करने वाला सिस्टम चाहिए। इसके साथ हमें लोअर रडार क्रॉस सेक्शन वाले एयरक्राफ्ट्स को काउंटर करने वाला सिस्टम चाहिए। इसके लिए भारत अभी के समय में रशिया से S-400 को ख़रीदने वाला है, जिसकी पहली डिलीवरी इसी साल नवंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं हम अभी के समय में बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 100 से 150 किलोमीटर तक का प्रोटेक्शन रेडियस प्रोवाइड करता है। बराक 8 में 8 इंटरसेप्ट मिसाइल होते हैं। इसमें आयरन डोम के मिसाइल से भी ज़्यादा बेहतरीन सीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है और हाई वैल्यू थ्रेट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बराक 8 के अलावा भारत पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करता है। वहीं इंडियन नेवी के लिए बराक 8 के नेवल वेरिएंट को खरीदने की बात इसराइल से अभी की जा रही है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।